युद्ध में आपने जो शिकस्त खाई है, आप बोल रहे थे कि हमारा वॉर जो था काफी बीजेपी के साथ, काफी एजेंसीज के साथ था, थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी हमारी लड़ाई होती है, बीजेपी ने सभी जब भी लड़ाई हुई है तो बीजेपी ने काफी एजेंसियों का हमारे सभी लोगों के पीछे लगाया था। सिर्फ पांच स्टेटों में नहीं, बाकी महाराष्ट्र में भी देखा होगा कि जब भी कोई थोड़ी सी बात छेड़ता है तो वो ईडी को लगाता है, सीबीआई को लगाता है, इनकम टैक्स को लगाता है, तो सभी लोगों को इतना त्रस्त करके छोड़ता है कि उनको लगता है कि अभी उनसे लड़े नहीं कोई, तो इस तरह से उनको सब तरह से परेशान करता है, कर देता है। तो फेयर इलेक्शंस एज वेल एज काउंटिंग फेयर हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसे। अभी हम करने इस तरह, क्योंकि हारे हुए को कैसा होता है कि जब फेल्योर होता है तो फेल्योर का कोई बाप होता नहीं है। तो यहाँ पर अगर रीजनल लीडर्स की बात करेंगे, वो आप पर ब्लेम करते हैं, खाली दो लीडर्स आपने अपोजिशन में रखे हैं, सोनिया का ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, वही खाली बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, बाकी लीडर चुपचाप करके हैं। क्यों, ममता जी ने कहा, महबूब जी ने कहा? नहीं नहीं, ममता जी ने तो आज ऐसे स्टेटमेंट दिया है कि अगर 2024 में कांग्रेस चाहती है तो सब मिलके करेंगे। तो अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग रखी गई है इस आने वाले हफ्ते में, उसमें विचार विमर्श हो जाएगा तो आपको पता चलेगा क्या। जम्मू में आपके कैडर के जो लीडर्स हैं वो अलग से मीटिंग कर रहे हैं, उसमें गुलाम नबी आजाद जी है, कैपिल सिंबल जी है, बाकी जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर पहुंचे थे, क्या वो अलग कैडर अभी मीटिंग कर रहे हैं? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, अभी पता जब चलेगा तो ही उसके ऊपर मैं रिएक्शन दे सकूंगी, क्योंकि कल ही में कल ही उसकी डेवलपमेंट पता चली है, लेकिन मैं 5-6 दिन से यहीं पे मीटिंग्स में। नहीं, मुझे नहीं लगता है, कांग्रेस में विचार प्रवाह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी में जैसे एक एकाधिकार है या एक चालुकानुवर्तित्व जिसको बोलते हैं आरएसएस की भाषा में, वैसे वैसे हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो हम राहुल गांधी जी का हाथ पकड़ के उनके साथ भी झगड़ा कर सकते हैं। अभी पांच सीटों में हारने के बाद क्या स्ट्रेटजी रहेगी फ्यूचर, क्योंकि अभी जो हम देखिए, हम सही मायने में कहा जाए और आपको सही मायने में बोला जाए तो हम उसके लिए विचार विमर्श तो बिल्कुल करेंगे। तो कांग्रेस को क्या एजेंसी से डर रखता है, वो बात नहीं करता? नहीं, डर नहीं रहता है। हम अगर डरते तो हम बिल्कुल लड़ते नहीं थे, हमारा लीडर नहीं करता नहीं है, अपोजिशन बड़ी पार्टी होती है। नहीं, आपने देखा है राहुल गांधी जी अकेले ही है कि जो लड़ते रहते हैं हमेशा, और डरना नहीं, यही तो उनका मंत्र है, डरो मत। पीछे से कोई फोर्स नहीं है, खाली अकेले बोलते? नहीं नहीं, अकेले कहाँ बोलते हैं, हम सब उनके साथ है। नहीं, हमें ये सीखना होगा कि जिस तरह से उनका कैडर नीचे काम करता है तो हमें भी नीचे से आना होगा, इसके आगे हम सिर्फ भाषण करके नहीं चलना होगा इसे, हम नीचे से अगर कभी शत्रु लोग भी अच्छा काम करते हैं तो वो सीखना होगा उनका, जो मैंने देखा है उनका, कि उनका पन्ना प्रमुख है, जो मैंने ऐसे देखा है कि उनका पन्ना प्रमुख है, उनका हर गली गली में उनका कार्यकर्ता है, तो वो सब हमें सीखना ही होगा, हम सिर्फ ऊपर से नहीं कर सकते।